स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई चाप, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी मलाई चाप की सामग्री, जिसके लिए ये हमने दो बड़े प्याज, तीन मिर्ची, ये काली मिर्च और जीरा है, इसको हम रोस्ट करेंगे। ये अदरक, लहसुन, ये धनिया के डंठल है, ये हमने लिया अमूल बटर, और ये एक पाव काजू लिया हमने, रिफाइंड लिया थोड़ा सा, नमक, दही, ये कुछ खड़े मसाले लिए जिसमें हमने लिया है इलायची, चार इलायची लिए है, चार लौंग लिए और दो तेज पत्ता लिया, और आधी किलो हमने चाप लिए। तो सबसे पहले हम चाप जो है इनको गर्म पानी में बॉईल करेंगे। हम चाप बॉईल करेंगे, उससे पहले हम काजू में गर्म पानी डाल देंगे, इससे काजू सॉफ्ट हो जाएंगे। जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये जल्दी पक जाएंगे। इसे हम 15 से 20 मिनट रख देंगे। जब तक हम बाकी तैयारियां करते हैं तब तक हमारे काजू भी भीग जाएंगे अच्छे से। तो चलिए हम चाप को उबालते हैं। पहले हम चलाएंगे गैस, लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे पानी। पानी में एक अच्छे से बॉईल आने देंगे, उसके बाद ही हम अपनी चाप डालेंगे। तो पहले पानी में बॉईल आने दीजिए। तो ये हमारे पानी में बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चाप। चाप हम बॉईल इसलिए कर रहे हैं पहले ताकि चाप हमारी सॉफ्ट हो जाए और जो नमक है वो इसके अंदर तक चला जाए। नमक इसलिए डाला है हमने इसमें पानी में। अब इसको हम 5 मिनट पकने देंगे, सभी चापों को 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट बाद इन्हें निकाल लेंगे। तब तक हमारा जो नमक डाला हुआ है वो नमक चाप के अंदर तक चला जाएगा। तो ये हमारे चाप बॉईल हो चुके हैं, हमने इनका पानी फेंक दिया है, अब हम इन्हें ठंडा होने रखेंगे। जब तक हमारे चाप ठंडे होते हैं तब तक हम बाकी चीजों की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जो चाप के लिए हमने सामग्री ली थी हमने कट कर लिए। हमने प्याज चॉप कर दिए, रफली चॉप किए अभी, क्योंकि हमें इन्हें फ्राई करना है। ये जो धनिया लिया था, धनिया की स्टिक्स ली थी, हमने इन्हें काट लिए। ये लहसुन छील दिया है, अदरक काट दिया है, ये मिर्ची कट कर दी है, बीच में से दो पीस में कट किए। ये खड़े मसाले लिए, दो लौंग, दो इलायची और एक तेज पत्ता। और सबसे पहले हम काली मिर्च और जो जीरा है इसको रोस्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये हमने लिया है तवा, तवे में रोस्ट करेंगे ने? तो ये हम इसमें डाल देंगे। ये हमने कम से कम 35 दाने लिए होंगे काली मिर्च के, और थोड़ा सा जीरा लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे, क्योंकि काली मिर्च और जीरा रोस्ट करने से इसका टेस्ट जो आता है सब्जी में बहुत अच्छा आता है। तो इसे अच्छे से रोस्ट होने देंगे, और उसके बाद जब ये रोस्ट हो जाए तो हम इन्हें बेलन की सहायता से क्रश करेंगे। तो ये हमारे जीरे का कलर ब्राउन हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और जो ये जीरा है इसे थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देंगे, हल्का सा। तवे से मैंने चॉपिंग बोर्ड में निकाल लिया है, अब हम इन्हें बेलन की सहायता से क्रश करेंगे। तो ये हमने अच्छे से इसको क्रश कर लिया, देखिए इस फॉर्म में हमने इसे क्रश कर लिया, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म का हो गया, हल्का हल्का। थोड़ा दरदरा रहने देंगे, और जो काली मिर्च है जब हम इसे सब्जी में डालेंगे इसके मसाले को, तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, जब मुंह में लगता है। हमारी चाप ठंडी हो चुकी है, मैंने इनकी स्टिक निकाल चुकी है, अब हम इन्हें कट करके फ्राई करेंगे। ये हमने अपनी सोया चाप कट कर ली है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हम पहले जाएंगे गैस, हम इसमें डालेंगे रिफाइंड इनको तलने के लिए, अच्छे से डालेंगे ताकि सारी डिप हो जाए, बस ज्यादा नहीं डालेंगे। अब इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब
अब हम इसमें चाट डालेंगे। अब हम इन्हें इसमें डाल के इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। ताकि गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए, ऐसा हम इन्हें पकाएंगे अच्छे से। जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे, अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और बीच बीच में हम इन्हें हिलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना और जले ना। मीडियम फ्लेम करके इन्हें अच्छे से पका लीजिए। तब हमारे ये चाप फ्राई हो रही है तब तक हम मसाला तैयार करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा 2 चम्मच रिफाइंड लेंगे, फिर गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, अदरक, लहसुन और ये मिर्ची लाएंगे, डालेंगे इसमें प्याज, और एक काजू हमने भिगाया था इसका पानी निकाल दिया है, जब सॉफ्ट हो गया ये इसे भी डालेंगे। ये भून किया है, इसमें थोड़ा पानी डाल के तब तक पकाएंगे जब तक प्याज का कच्चापन न चला जाए, और थोड़ा सा उबाल आने देंगे। और ढक देंगे, 5 मिनट के लिए से पकाएंगे। वो जब तक हमारे पेस्ट बनाने के लिए हमने सामान रखा है वो ठंडा होता है, तब तक हम तवे में कसूरी मेथी रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रोस्ट करने से कसूरी मेथी का जो खुशबू और स्वाद होता है ना वो बढ़ जाता है सब्जी में। ज्यादा नहीं करेंगे हम, थोड़ी सी ही कसूरी मेथी रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से ये बहुत क्रिस्पी हो जाती है, इसीलिए हम इसे रोस्ट कर रहे हैं। तो गाइज ये हमारी कसूरी मेथी रोस्ट हो चुकी है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। ये हमारे चाप हमने फ्राई किए हैं, और अब फ्राई करने के बाद हमने ठंडा करके बॉल में डाल दिया और इसे मैरिनेट करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, 3 चम्मच दही डालेंगे, 3.5 चम्मच दही, ये छोटा चम्मच है हमारा। और इसमें डालेंगे जीरा, ये भुना हुआ जीरा है, और नमक स्वाद अनुसार इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो हमने मसाला बनाया था प्याज का, काजू का, अदरक, लहसुन, मिर्ची, ये हमने अब जार में डाल लिया है, ठंडा हो गया है। अब हमने इसे जार में डाल लिया, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। पतला पेस्ट बनाना है हमें इसका। तो ये हमारा पेस्ट बन चुका है, ये देखिए ऐसी पीसना है बिल्कुल पतला पेस्ट। तो जिस पे हमने चाप फ्राई किए थे हम उसी कढ़ाई में अपनी सब्जी बनाएंगे। पहले गैस ऑन कीजिए, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल, तेल ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम इसमें मक्खन डालेंगे, तो हम इसके साथ ही इसमें मक्खन डाल देंगे, इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये हमारा तेल जो हमने रिफाइंड ऑयल लिया था वो और मक्खन गर्म हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, 2 लौंग और 2 इलायची, इन्हें अच्छे से इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो ये हमारे जो खड़े मसाले थे वो तैयार हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज और काजू का, अब हम इसे इसमें डालेंगे।
चलाते रहना, क्योंकि हमने इसे काजू डाले हुए हैं तो काजू जल्दी चिपकता है, इसलिए इसे डालते डालते चलाते भी रहेंगे। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे पकाए और इसे चलाते रहे, इसमें बीच बीच में चलाते रहे क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है और काजू बहुत जल्दी चिपकता है, तो काजू चिपके ना हमारा, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे रख के पकाते रहेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे, और अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो ये जो हमारा पेस्ट है अभी पक चुका है, देखिए इसने साइड से हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने सोया चाप जो हमने मैरिनेट करने रखे थे। अब इसे इसी के साथ अच्छे से मिक्स करें, और अब हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि हमने मैरिनेट करने के लिए दाल डाला था। अगर हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे नहीं तो हमारा जो चाप का स्वाद है वो खराब हो सकता है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे और एक बॉईल आने तक पकाएंगे। हल्का सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि जो हम मलाई चाप बनाते हैं वो थोड़ी सूखी सूखी बनती है, इसलिए हम इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसकी जो ग्रेवी होती है वो ठीक ही अच्छी लगती है, तो जिसमें हमने मैरिनेट करने के लिए चाप रखी हुई थी हम उसमें ही पानी डाल के थोड़ा सा इसको डाल देंगे और एक बॉईल तक आने तक इसको पकाएंगे अच्छे से। बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ज्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब मैरिनेट करने के लिए भी इसमें नमक डाला था, और जब हमने चाप बॉईल की थी तभी भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था। अब हम नमक को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक चलाएंगे जब तक हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे, तब तक हम इसे चलाएंगे। अब हमारी ग्रेवी में बॉईल आ चुका अच्छे से, और इसने हल्का हल्का तेल भी छोड़ दिया साइड से। अब हम इसमें क्रश किया हुआ ये काली मिर्च का और जीरे का पाउडर जो हमने बनाया था वो डालेंगे। और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ धनिया, धनिया के जो हमने डंठल काटे थे अब हम उनको भी डाल देंगे इसके साथ। इसी के साथ हम ये रोस्ट की हुई कस्तूरी मेथी डाल देंगे। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें मैंने पानी कम ही डाला है क्योंकि हमें डार्क ही पसंद है। आप इसकी ग्रेवी मोटी या पतली अपने हिसाब से कर सकते हैं, थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसमें कम ही ऐड किया क्योंकि हमें ऐसी ग्रेवी पसंद है। इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये फेटी हुई मलाई। आप इसमें अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं, पर हमने मलाई ली है, इससे मलाई से भी स्वाद बड़ा अच्छा आता है मलाई चाप में। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा पकाएंगे, हम ज्यादा नहीं पकाना इसे, इसे हल्का सा इसके साथ मिक्स करके पकाएंगे और फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ओ, ये हमारे मलाई चाप में बॉईल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, खाने में भी स्वादिष्ट होगी। चाप को प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसके ऊपर से ये जो हमने पेस्ट बनाया था उसका काली मिर्च और जीरे का, अब हम इसे ऊपर से ऐसे डाल देंगे, और ये थोड़े से हरे पत्ते के धनिया के डंठल ऊपर से डाल देंगे।
थोड़ी सी मलाई हम इसके ऊपर से डालेंगे। ये बन गए हमारे मलाई चाप। ये बन चुका हमारा मलाई चाप, आप भी अपने घर में जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब स्वादिष्ट व्यंजन है। तो ये थी हमारी मलाई चाप की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये लाजवाब रेसिपी आप जरूर बनाएं, घर में जरूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कैसी बनी थी। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।